बेस्ट ग्लव्स अंडर 600। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टील बर्ड्स के फुल फिंगर राइडिंग ग्लव्स। तो जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। ऐसे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहता है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलो इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहे स्टील बर्ड के ग्लव्स जो कि फुल फिंगर में है, एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। बाकी इसके फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे हार्ड नकल गार्ड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी काम आते हैं। कोई भी क्रैश में आपको ये सबसे पहले बचाता है इंजरी से। बाकी यहाँ पे भी आपको गार्ड्स मिल जाते हैं जो कि थोड़े से सॉफ्ट है एंड ब्रीदेबल मटेरियल है। जैसा कि आप देख सकते हो ये सिंथेटिक ज़रूर है, पॉलिएस्टर है, लेकिन ब्रीदेबल मटेरियल है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन टच का सपोर्ट भी मिल जाता है। टच स्क्रीन फ़ोन्स को, टच स्क्रीन डिवाइसेस को बहुत ईजिली चला सकते हो। यहाँ पर आपको पैडिंग दी गई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है बाइक चलाने वक्त। पाम पे भी पैडिंग दी गई है बिकॉज कभी भी अगर क्रैश होता है तो यहाँ पे छिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है जब आप अपने आप को यहाँ पे बचाने की कोशिश करते हो ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दे दिया गया है। साथ में अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल रिस्ट मिल जाता है। एक बार मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपका रिस्ट जितना भी आया, मेरा तो भाई बिल्कुल एंड पे ही आ रहा, तो ऐसे करके मैं इसको पहन सकता हूँ। स्टील बर्ड की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाती है। फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आ रही है, एल साइज़ है, तो एल साइज़ मुझे फिट आता है। मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था तो मैं भूल गया कौन सा साइज़ है। बाय द वे यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो जैसा मैं आपको दिखा दिया, एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी स्टाइलिश भी लगती है एंड प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है अच्छा खासा। बाकी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टिव पाइपिंग मिलती है, तो रात के टाइम पे भी ये जो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी का काम करती है। अगर आप बिल्कुल ही डार्क एरिया में फंसे हुए हो एंड आपके पास ये ग्लव्स आप पहने हुए हो, मतलब कुछ भी क्रैश हो जाता है, कहीं आप पड़े हुए हो, तो लोग आपको नोटिस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। एंड ये काफ़ी स्टर्डी मटेरियल है, तो इस मटेरियल से मुझे कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी कम्फर्टेबल भी है, अंदर भी आपको वैसा कोई दिक्कत फील नहीं होने वाला है। यहाँ पर एल साइज़ आप देख सकते हो, तो अंदर भी वो चीज़ नहीं आती है जो ये यहाँ पे हार्ड वाला नकल है ना, ये अंदर में उतना ज़्यादा फील नहीं होता है, बट प्रोटेक्शन का काम बहुत अच्छा करता है। तो ग्लव्स का काम ही है भाई आपके हाथों को प्रोटेक्ट करना। मैं ऑलवेज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना भी राइडिंग गियर्स पहन सको आप हमेशा पहनो। ऐसा नहीं है कि कोई ये पेड प्रमोशन है, मुझे ये राइडिंग ग्लव्स काफ़ी अच्छे लगे, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंड बाय द वे यहाँ पे आपको प्री फोल्डेड फिंगर्स मिलते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है बिकॉज जब भी आप बाइक को राइड करते हो तो आपका ग्रिप जो है वो इस तरीके से होता है कि आपके फिंगर्स यहाँ पे फोल्डेड ही होंगे। तो आप देख सकते हो कितनी ईजिली मेरे हाथ यहाँ पे बैठ गए हैं एंड मुझे बहुत ही एक अच्छा ग्रिप मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे भी ग्रिप्स बने हुए हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये सारी चीज़ें मतलब सब कुछ एक साथ कोई अच्छे ग्लव्स में नहीं मिलते हैं। एंड बाय द वे अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप लेदर के राइडिंग ग्लव्स खरीद सकते हो, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है। बट ये वाले जो राइडिंग ग्लव्स है ये अंडर बजट, अंडर 600, अंडर 500 बहुत ही अच्छे होते हैं। प्रो बाइकर का मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज उसमें जो ये वाली चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है और उसका जो ब्रांडिंग है प्रो बाइकर का वो भी काफ़ी हार्ड रहता है, तो वो आपको किसी भी क्रैश के वक्त बहुत ईजिली आपको उल्टा हार्म कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें प्रो बाइकर मैंने यूज़ भी नहीं किया है ज़्यादा, मैंने बस लिया था और उसको रिटर्न कर दिया बिकॉज मुझे वो उतना पसंद नहीं आया। तो देखो ग्रिप मुझे बहुत आसानी से मिल रहा है एंड यहाँ पर ब्रेक लीवर पर भी मेरा जो हाथ है वो ईजिली फिसलता नहीं है बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रिप्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। बाकी ये फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, बाय लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इससे अच्छे राइडिंग ग्लव्स मुझे इस बजट में तो लगे नहीं भाई। स्टड्स बनाता है, वेगा भी बनाता है, प्रो बाइकर बनाता है, लेकिन स्टील बर्ड का ये जो राइडिंग ग्लव है ये मुझे बहुत ही पसंद आया है, तो आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा राइडिंग गियर्स पहन के यार बाइक चलाओ, एक अच्छा सा हेलमेट लो, ये भी एक एवरेज हेलमेट है। अगर आप 5-6 हज़ार रुपये एक अच्छे हेलमेट में खर्च कर सकते हो तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये हेलमेट भी ख़राब नहीं है, इसमें मिरर वाइजर है, सब कुछ अच्छा ही लगता है। मुझे डिकैल्स इसके बहुत पसंद है, ये स्टड्स थंडर D8 है, तो इसको भी आप बाइक कर ही सकते हो। इस हेलमेट का भी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सारे व्यूज़ आए थे उस वीडियो में, तो राइडर्स जो है अपनी सेफ्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर मैं ला सकता हूँ तो यार बहुत ही अच्छा लगता और भी दिल से। तो आप भी वीडियो चेकआउट करो, आप भी खरीद सकते हो ऐसे हेलमेट्स को। ISI मार्क वाला हमेशा खरीदना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी ये ग्लव्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर इस बजट में इससे भी अच्छे ग्लव्स है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको चेक करने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बाय बाय।